देखिए, जब से श्री राहुल गांधी जी पहले अपनी यात्रा पे निकले तो 3 राज्य कांग्रेस के हाथ से चले गए, अब वो पूर्व से पश्चिम की यात्रा पे निकले हैं। तो आप देखिए, पहले पूरब में उनका सबसे बड़ा जो तथाकथित इंडी गठबंधन के सहयोगी थे तृणमूल कांग्रेस, उसने ऐलानिया कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कह दिया, अब पहले ही बसपा ने उत्तर प्रदेश में कह दिया। तो मुझे लगता है अब जो कुछ हो रहा है इस तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर, उसकी स्थिति कुछ कुछ ये कही जा सकती है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। और इसका एक तथ्यात्मक आधार भी है कि नकारात्मक आधार के ऊपर बने हुए गठबंधनों का भविष्य होता नहीं है। आज देश की जनता के सामने बहुत स्पष्ट 2 अल्टरनेटिव है, एक श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन, जहां जांचा परखा खरा नेतृत्व और भरोसे का गठबंधन, दूसरी तरफ अज्ञात नेतृत्व में अंतर विरोधों से भरा हुआ भ्रम का गठबंधन। तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे उनका शिजरा बिखर रहा है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में साफ कर दिया, अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी ने कह दिया कि वो साथ में नहीं है। अब जिनके बिहार में, जहां वो बड़ी बड़ी आशाएं लगाए थे, वहां क्या होगा, अब मुझे लगता है उनसे ही पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो घटनाक्रम हो रहा है उसके लिए मुझे इस तथाकथित इंडी गठबंधन के लिए एक ही पंक्ति लाग आती है, क्योंकि आप सब कुछ तो जाहिर होता चला जा रहा है। तो मैं एक पंक्ति में उनकी स्थिति के लिए कहना चाहूँगा कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है, छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आएं कैसे, इस घर को सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि घर की हकीकत को छुपाएं कैसे।